शेमारू के नए वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें। आहिस्ता आहिस्ता। खून? माँ, बाबूजी कहाँ गए? हे भगवान। ये सब क्या है? चौधरी साहब इस दुनिया में नहीं रहे। क्या? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। देख लिया गांव वालों, देख लिया तुम सबने ठाकुर का जुल्म। तुम्हारे चरणों की कसम बाबूजी, ठाकुर को मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मार डालूंगा उसको। नहीं नहीं बेटी, तू कानून अपने हाथ नहीं लेगा, मैं तुझे बागी बनने नहीं दूंगी। हम इन्हें लेके पुलिस थाने चलते हैं। हाँ, पुलिस थाने चलते हैं। क्या है सब? ये पुलिस थाना है कोई शमशान घाट है? जमुर्दा को लेकर अंदर चले आ रहे हो? किसकी लाश है? ये लाश मेरे पिता चौधरी अमर सिंह की है। आत्महत्या कर ली या किसी ट्रक के नीचे आ गए? ठाकुर प्रताप सिंह की हवेली में इनका खून हुआ है। हा? ये लाश तुम्हें कहां से मिली? गांव के चौराहे पे। गांव के चौराहे पे? तो फिर ठाकुर साहब की हवेली में यह खून कैसे हो सकता है? पहले तुम मुझे यह बताओ कि तुमने पुलिस को बुलाए बिना लाश को हाथ कैसे लगाया? मालूम है तुम्हें कत्ल के सबूत मिटाने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है? थानेदार साहब, हम यहाँ अपने सरपंच के खून की रिपोर्ट लिखाने आए हैं। खामोश! ये तुम लोगों का पंचायत घर नहीं, पुलिस थाना है। यहाँ हर काम कायदे कानून से होता है, और फिर यहाँ शरीफों के खिलाफ झूठी रिपोर्ट नहीं लिखी जा सकती। सच झूठ का फैसला पुलिस थाने में नहीं, अदालत में होता है साहब। आपका काम सिर्फ रिपोर्ट लिखना है, वो लिखिए। अब मेरा काम क्या है वो मुझे तुम जैसी गवार औरत से सीखना पड़ेगा। खोटे! चिल्लाओ मत छोड़े। एक इज्जतदार आदमी के खिलाफ झूठी रिपोर्ट लिखवाने से पहले अपने बाप की लाश को ले जाओ यहाँ से। इन सबको धक्के मार के बाहर निकालो। पहले रिपोर्ट लिख। नहीं बेटे, ये झगड़ा करने का समय नहीं है, छोड़ दे इसे, छोड़ दे, छोड़ दे बेटे, चलकर अपने पिता को अग्नि दे दे। देख लिया तूने माँ, यहाँ कानून के कुएं से पाप की खेती सींची जाती है, यहाँ तुझे इंसाफ नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा माँ। Zumbai, Ago Maya, Zumbai, Ago Maya, Zumbai, Ago Maya, Ago, Ago, Ago Maya. खोटे, तुम यहाँ कैसे? ठाकुर साहब, वो छोरा विक्रांता आया था अपने बाप की लाश उठाकर सारे गांव वालों के साथ मेरे पुलिस स्टेशन में आप दोनों के खिलाफ मर्डर की रिपोर्ट लिखवाने। और तुमने रिपोर्ट लिख ली? छोटे ठाकुर, मेरा नाम भी खोटे है। खोटे क्यों डालें? मैंने साले की खरी रिपोर्ट को एकदम खोटा बनाकर बिना कुछ लिखे साले को धक्के मारकर पुलिस स्टेशन से बाहर निकाल दिया। अरे वाह रे खोटे, ये तो तुमने बहुत खरा काम किया। तो छोटे डागर, तो आप भी कुछ खरे खरे, कुछ अरे अरे, कुछ बड़े बड़े और कुछ हाँ, हाँ। बिल्कुल, ये लो। Thank you.
सब्जी क्यों रोक दी? ये भीड़ कैसी है और ये छोकरा कौन है? विक्रांता नाम है मेरा। बड़े हुकुम, ये अमर सिंह मुखिया का छोरा है। और वो जो बीच में खड़ी है ना, मुखियानी इस छोरे की माँ है। तेरे इन हांडियों में क्या है? ठाकुर, इस गांव का मुखिया चौधरी अमर सिंह, जिसने इंसाफ, सच्चाई और ईमानदारी का दामन नहीं छोड़ा, जो इन किसानों के लिए लड़ते लड़ते एक जालिम के जुल्म का शिकार होकर इन हांडियों में समा गए। मैं उनकी इच्छा के मुताबिक उनकी आत्मा की शांति के लिए इन अस्थियों का आधा हिस्सा खेतों में और आधा गंगा मैया में डालने जा रहा हूं। भाई, आदमी कैसा ही हो, लेकिन मरने के बाद उसके बेटे को तारीफ ही करना चाहिए। मतलब? मतलब जानना चाहती है तो सुन, और गांव वालों तुम भी सुन लो। मैंने 5 लाख रुपए अमर सिंह को तुम लोगों में बांटने के लिए दिए थे, लेकिन 5 लाख देकर उसकी नीयत बिगड़ गई। मगर भगवान ने उससे फौरन बदला ले लिया। वो रुपए लेकर गांव से भाग रहा था कि किसी बदमाश लुटेरे ने उसे पकड़कर मार लूट लिया, उसे मार दिया। ऐसे पापी की अस्थियां गंगा में डालकर गंगा माता को नापाक कर रहा है। अरे, किसी गंदी नाली में जाकर इसको डाल दे और अपना सर मुड़ा दे, तेरे बाप की आत्मा को शांति मिलेगी। ठाकुर, इतना घमंड मत कर, भगवान से डर। माँ, ये सबसे बड़े ठाकुर है इस गांव के। लगे छोरे के भेजे में आपकी बात आ गई। आजा बेटा विक्रांतू, आजा बेटा विक्रांतू, आजा। फुटुन के जितना से मिट्टी खिकोर के टीका कर ले। करूंगा, जरूर करूंगा मुरीन जी। जन्म सफल हो जाएगा तेरा। अबे चलो। नहीं बेटे, नहीं विक्रांता, नहीं, नहीं बेटे, नहीं 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 नहीं। अपने चमचों का सर मुंडवा कर इसकी अस्थियां गांव के गंदे नाले में फेंकवा दे, ताकि इस पापी ठाकुर के आत्मा को शांति मिल सके। बेटा बेटा बेटा, इसे मैं ले जाता हूं मां, गंगा मैया में अर्पण करने, और इसे तू अपने हाथों से खेतों में डाल देना। जा बेटा, तुझे अल्लाह की हिफाजत में दिया। जय विक्रांता। छोटे हुकुम, विक्रांता ने सारे गांव वालों के सामने बड़े हुकुम के गोली मार दी। तड़प तड़प के प्राण निकले इनके। उस हरामजादे के घर में आग लगा दो, फसलें बर्बाद कर दो, तबाह कर दो उसे। मेरे साथ ले। नहीं शांता बहन, मत जाओ, ये शैतानों की मंडली है। या अल्लाह, आग! अखिला,
एक जालिम ने मेरा घर जला दिया। विक्रांता भैया तुम्हारे घर में आग लग गई है। कैसे? सब कुछ जलकर राख हो गया बेटे। माँ, इसी घर में तेरा जन्म हुआ था, इसी घर में तेरे पिताजी ने तेरी उंगली पकड़कर तुझे चलना सिखाया था। अब पिताजी भी नहीं रहे और ये घर भी नहीं रहा शारदा बहन, कुछ चलकर राख हो गया बेटे। रो मत माँ, मैं पिताजी के आदर्शों और रसूलों को हमेशा जिंदा रखूंगा, लेकिन सर झुकाकर और हाथ जोड़कर नहीं, बल्कि अपनी ताकत के जोर पर और बाजुओं के बल पर। चल माँ, हाँ मेरे साथ। नहीं बेटे, ये तेरे बापू की अस्थि अपने खेतों में डाल दो, यही उनकी अंतिम इच्छा थी। विक्रांता, पुलिस! विक्रांता, तू जा, भाग जा यहाँ से। हाँ बेटा, खुदा के लिए भाग जा, जा। माँ, माँ मैं तुझे लेने आऊंगा। माँ, चलो आ जाओ। विक्रांता, रुक जाओ, मैं जल्दी आ जाऊंगा। अरे थे नाचोकड़ी न लेकर के मुंडी उठा के खेता में कहां घुसी आ रही है तू? अपने स्वर्गीय पति की इच्छा पूरी करने उनकी अस्थियां खेतों में डालने जा रही हूँ। ए बुढ़िया, ये सारे खेत अब हमारे खेत हैं। तू इन खेतों में मुर्दे की राख डालकर इसकी उपजाऊ जमीन को बंजर बनाना चाहती है? चल दफा हो यहाँ से। गांव वालों, तुम सब कान खोल कर सुन लो, अब इन खेतों में कोई नहीं घुस सकता, क्योंकि इन कागजात के मुताबिक ये सारी जमीनें ठाकुर जसवंत सिंह की हो चुकी हैं। ये काला कोट पहन पहन कर तेरा दिल भी काला हो गया है वकील, जो झूठे और जाली कागजात बनाकर इन गरीब किसानों के जमीनों का मालिक इस लालची ठाकुर को बनाना चाहता है। औरत, तेरी ये हिम्मत? अल्लाह से डरो ठाकुर, शारदा बहन ठीक कह रही है, इन्हें अपनी जमीनों पे जाने दो। मैं चौधरी साहब की पत्नी हूँ ठाकुर, मैं इन गरीब किसानों पर इतना बड़ा जुल्म नहीं होने दूंगी। देख क्या रहे हो, आगे बढ़ो, हमें अपने खेतों में जाने से कोई नहीं रोक सकता, आगे बढ़ो। चलो। इन गरीब किसानों का खून जरूर रंग लाएगा, इनके जमीनों के सारे कागजात की नकल मेरे पास है, उन्हें लेकर मैं शहर के सबसे ईमानदार पुलिस अफसर खान साहब के पास जाऊंगी। वो तेरे इस खोटे की तरह खोटा नहीं है, वो मेरी फरियाद जरूर सुनेगा, जरूर सुनेगा ठाकुर। चलो भाइयों। चलो
My friend Palwant. Charas, Ganja, Afim, brown sugar. Dollars and gold. Okay. के लिए लूट पर करता है हम तुमको डॉलर्स देगा अच्छा डॉलर्स और तुम हमको जाने दो हरामजादे ड्रग्स बेचकर नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद करने वाले विलायती गीदड़ क्रिस्टो मैं डाकू नहीं तेरा बाप हूं ये देख हिंदुस्तानी पुलिस का डीआईजी शेर अली खान मुझे बहुत दिनों से तेरी तलाश थी साले अब तो हिंदुस्तान का कानून तेरे साथियों को भी पकड़ेगा और तुझे तुझे फांसी दिलाकर ही दम लेगा समझा जगह क्रिस्टो माल के साथ पुलिस के हाथों पकड़ा गया हाँ ठाकुर साहब मैं बड़ी मुश्किल से पुलिस के हाथ से बच के भाग कर यहाँ आया हूँ शंकर इस आदमी को पहचानते हो साहब यही है वो आदमी साहब जिसने मुझे बर्बाद कर दिया मुझे तबाह कर दिया साहब इस आदमी ने मैं एक ईमानदार ट्रक ड्राइवर था साहब माल लेकर पत्नी और गुड़िया बिटिया के साथ आगरा जा रहा था कि अचानक हम परदेशी पहले बार हिंदुस्तान में आया है हम आगरा जाता तुम हमको लिफ्ट देगा हम तुमको डॉलर्स देगा अरे विदेशी भाई अपना डॉलर अपने पास रखो आपके काम आएगा हम हिंदुस्तानी है हिंदुस्तानी आगरा तक आप हमारे मेहमान हैं चलो बैठो ओके थैंक यू वेरी मच शुक्रिया पुलिस घबरा मत इस ट्रक में क्या है दवाइयों के बक्से हैं साहब ये देखिए कागज हवलदार शर्मा तलाशी लो यस सर शूट दैट मैन कौन था वो मैं नहीं जानता साहब कोई विदेशी था लिफ्ट मांगी तो मैंने बिठा लिया साहब सर ये देखिए अच्छा अफीम हेरोइन गांजा ब्राउन
शुगर। इसका मतलब कि हमारी इन्फॉर्मेशन सही थी और जो आदमी भागा था वो था क्रिस्टो। पता कहाँ से ला सकू ये और कहाँ ले जा रहा था? मैंने कहा ना साहब, मैं कुछ नहीं जानता साहब। तू सब कुछ जानता है, पुलिस के हंडर पड़ेंगे तो सब बता देगा। इंस्पेक्टर अरेस्टेड मैन। साहब मैं निर्दोष हूँ साहब, मैं उस आदमी को नहीं जानता, मैं निर्दोष हूँ साहब। नहीं साहब, मुझे अपनी सिकलौती बच्ची की सौगंध है, मेरे पति बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है साहब। इंस्पेक्टर ले चलो इसे। साहब मैं पाप करती हूँ साहब, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ साहब, पैर पड़ती हूँ। मेरे पति को छोड़ दीजिए, वो बिल्कुल निर्दोष है। मैं भगवान की सौगंध खाकर कहती हूँ वो बिल्कुल निर्दोष है। उसके बाद मैंने अपनी नन्ही सी गुड़िया को इन्हीं हाथों से धरती माँ की गोद में सुलाया साहब, इन्हीं हाथों से धरती माँ की गोद में सुलाया। अपनी जवान पत्नी की चिता को आग दी साहब। उन दोनों को खोकर मैं पागल हो गया था, उन दोनों को खोकर मैं पागल हो गया था साहब। और गुस्से में मैंने एक बहुत बड़ा जुर्म किया और आज उसी जुर्म के सारे जिंदा हूं साहब। अगर वो जुर्म नहीं करता तो कभी का मर गया होता। 20 साल बाद इंस्पेक्टर शर्मा ने मुझे दोबारा पकड़ा, उस जुर्म के लिए नहीं जो मैंने किया था, लेकिन उस जुर्म के लिए जो मैंने कभी नहीं किया। स्मगलिंग के जुर्म में साहब। ये आदमी बिल्कुल सच बोलता है, इसने सचमुच हमारे लिए लिख दिया था, लेकिन इससे हमारे गैंग का कोई लिंक नहीं है। ऑफिसर इज इनोसेंट। देखो शंकर, तुम्हारी बीवी और बच्ची की जिंदगी तो मैं वापस नहीं कर सकता, लेकिन इस क्रिस्टो के बयान पर तुम्हें आजाद करता हूं। बाहर आओ, पुलिस तुम्हें फिर कभी गिरफ्तार नहीं करेगी। आओ। वाह साहब वाह, एक शरीफ आदमी ने कहा तो आपने उसका विश्वास नहीं किया, एक बदमाश आदमी ने कहा तो उसकी बात मानकर मुझे आजाद कर दिया। शंकर, जो हुआ उसे भूल जाओ। कैसे भूल जाए साहब, भगवान ना करे कोई आपको झूठे इल्जाम में पकड़े और जेल में बंद कर दे और आप अपनी बेगुनाही साबित करने की लाख कोशिश करें और आपकी कोई ना सुने, तो आपके पास भागने के अलावा और कौन सा रास्ता रहेगा? देखो शंकर, जब तक अल्लाह ताला ने यह जिंदगी दी है तो इसे जीना ही होगा, मगर आज से तुम एक नई जिंदगी शुरू करो। साहब, एक वो अफसर था जालिम शैतान और एक आप हैं देवता समान। बहुत बहुत शुक्रिया साहब, बहुत शुक्रिया। जाओ। माजी खान साहब आ गए। साहब मैं एक दुखियारी हूँ, आपके पास अपनी फरियाद लेकर बहुत दूर से आई हूँ। फरमाइए। साहब, मेरी फरियाद अपने ही गांव के एक जालिम और दौलतमंद ठाकुर के खिलाफ है, गांव का थानेदार और पुलिस भी उससे मिली हुई है। आप बेखौफ होकर अपनी शिकायत बयान कीजिए, शेर अली खान से आपको इंसाफ जरूर मिलेगा। आप आइए मेरे साथ। सर। यस। कमिश्नर साहब ने आपको याद फरमाया। माजी आप यहाँ बैठिए, मैं कमिश्नर साहब से मिलकर अभी आता हूँ। जी बैठिए आप। ये रही आपकी टोपी। भाई दाद देनी पड़ेगी अपनी धर्म पत्नी की। हमारी टोपी देना कभी नहीं भूलती। कैसे भूलूं? ये आपके सर का ताज है और आप मेरे सर ताज। खान, क्रिस्टो को गिरफ्तार करके तुमने हमारे सारे डिपार्टमेंट का नाम और रोशन कर दिया। वी आर प्राउड ऑफ यू। थैंक यू सर। सर, अब हम क्रिस्टो के जरिए उस आदमी तक पहुंच जाएंगे जो हमारे मुल्क से ये ड्रग्स बाहर के मुल्कों को सप्लाई करता है। वेल कैरी ऑन खान, वी आर राइट बिहाइंड यू। ओके सर। गुड।